एनएसओ वाले कि एनएसओ प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट इंटेलिजेंस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू फाइट क्राइम एंड टेरर, उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार इसको इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल असलियत में किसके खिलाफ हो रहे हैं? जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया जाता। जो मोदी जी के खिलाफ बात उठाने की हिम्मत रखते हैं, दम रखते हैं, उनके ऊपर ये खुफिया एजेंसी को तैनात किया जाते हैं। लभासा जी के खिलाफ, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमिश्नर लभासी जी मोदी जी की पांव तले बैठ के उनकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पेगासस उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमारे राहुल जी एक बात कहते कि हम मोदी जी को नहीं डरते, हमारे देशवासियों के लिए जो सच्चा है वो आम हम बोलते रहेंगे चाहे कुछ भी हो। और ये कुछ भी होते हुए उन्हीं की परिवार के इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को शहादत लेने पड़ी और उनकी परिवार के एक सदस्य के ऊपर आप खुफियागिरी कर रहे हैं, उनको उग्रवादी सोचते हुए उनके खिलाफ आप ये खुफियागिरी कर रहे हैं, पेगासस को इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए हिंदुस्तान के लोग, राहुल गांधी जी को मोदी जी को अच्छा नहीं लग सकते? राहुल गांधी जी आपके खिलाफ सच्चा बात हिम्मत लेके कहते हैं, आपको पसंद नहीं होते हैं हम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिस परिवार हमारे देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, जिन परिवार के लोगों ने, उन्हीं परिवार के सदस्य के ऊपर ये खुफियागिरी हो रहे हैं, देशवासी इनको मान्यता देंगे? तो इसलिए हम ज्यादा बोलते ना हुए हमारे पार्टी की तरफ से लोकसभा के अंदर ये मसला हम उठाएंगे, जोर शोर से उठाऊंगा। आज गोलमोल तरीके से मंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, बयान पेश करते ही वो भाग के निकल चुके, लगता है कि सूट और स्कूट पॉलिसी अपना रहे हैं। सदन के अंदर नियमों के मुताबिक जब मिनिस्टर की स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट तुरंत सदन में ले किया जाते हैं, बिना ले किए गए मंत्री चले गए अपना स्टेटमेंट सदन में रखते हुए। हम लोग बाद में उनका स्टेटमेंट निकाला स्पीकर साहब से बात करते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पार्टी की मांग यह है कि ये पेगासस को इस्तेमाल करने के लिए जिनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान के अभी की ओ होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, ये अमित शाह जी को इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की सरकार की कोई मॉरालिटी बचे हुए हैं, कोई नैतिकता बचे हुए हैं, तो तुरंत अमित शाह जी को रेजिग्नेशन देते हुए हिंदुस्तान के लोगों को सामने अपने को पेश किया जाए, ये मांग रखते हुए अगले तारीख में सदन के सब विपक्ष पार्टियों एक साथ हमारे आवाज बुलंद करेंगे। यही कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूं।